नमस्कार गाइज, देख रहे हैं आप लोग ये देसी मशरूम खुद से पैदा हुआ है। इसको अच्छे से निकालना है, निकाल करके धुल के साफ कर लेना है। इसके बाद तेल में तल के खाइए इसको, ऐसे एकदम इजी वे में निकाल लेना है। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ही निकाल लेना। इस तरह से इसको निकाल लीजिए और अच्छे से धुल लीजिए। धुल करके फिर तेल में फ्राई करके बस खाइए। सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन फ्राई बहुत ही अच्छा है। इसका पकौड़ा बहुत अच्छा है, सिर्फ फ्राई करके। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं सफाई के बाद कितना अच्छा हो गया है। अब इसको ले चल के तेल में फ्राई कर देना है। फ्राई करके थोड़ा सा नमक मिला के बस खाइए, बहुत ही फायदा करेगा। फायदेमंद भी है और फ्री का है, लेकिन धुलाई में बड़ा मेहनत, छोटी मछली धुलने के बराबर मेहनत होता है। इसको देख सकते हैं, फ्राई करके दिखाएंगे आप लोगों को। इस तरह आप लोग देख रहे हैं, इसको पका लेना है। तेल में अच्छे से पका लीजिए, फिर इसके बाद अच्छे से मस्ती में खाइए। एकदम एकदम टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। धन्यवाद।